Good morning, friend. Myself, Dr. B.G. Shukla. Today, I discuss some important topic of mathematics, analytic function. तो आज हम लोग analytic function पर discuss करेंगे. कौन-कौन से function analytic होते हैं? Analytic function होने के लिए क्या conditions होनी चाहिए? कैसे कोई function analytic बनता है? कैसे उसकी analyticity हम check करते हैं? इन सब चीजों पर आज इस lecture में discuss करेंगे. तो एनालिटिक फंक्शन कोई फंक्शन ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट एंड सम नेबरहुड ऑफ ऑफ जेड नॉट. कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा किसी पॉइंट जेड नॉट पर इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट एंड सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट. जो फंक्शन जेड नॉट और उसके सम नेबरहुड पर डिफरेंशिएबल होगा उस फंक्शंस को हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है एट द पॉइंट जेड नॉट पर. तो ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है. इसके बाद एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करते हैं उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस होती हैं जिनको बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन. उनसे हम चेक करते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो सबसे पहले लिखें कॉची रीमान इक्वेशन. कॉची रीमान इक्वेशंस कॉची रीमान इक्वेशंस. कॉची रीमान इक्वेशन होती है अगर कोई फंक्शन इफ एफ जेड इक्वल्स टू इस टाइप से लिखा है यू प्लस आई वी तो कॉची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स. ये इक्वेशन है जिनको बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशंस. तो अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. पोलर फॉर्म में इन पोलर फॉर्म कॉची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा एंड डेल यू ओवर डेल थीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस आर डेल वी ओवर डेल आर. तो ये पोलर फॉर्म की कॉची रीमान इक्वेशन हो जाती हैं. अगर यहां पर एक्स वाई की जगह फंक्शन में आर और थीटा के टर्म दे रखे हों तो इन कंडीशन से हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है. अगर एनालिटिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. लेकिन ये कॉची रीमान इक्वेशंस जो हैं ये केवल नेसेसरी कंडीशन होती हैं एनालिटिसिटी चेक करने के लिए. फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करने के लिए सफिशियंट कंडीशन नहीं होती. तो नेक्स्ट लिखेंगे नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन. तो नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन. नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशंस.
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वो कंडीशन होती है जो एग्जैक्ट दिखाती है कि फंक्शन एनालिटिक होगा कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। पहली कंडीशन होती है कि कॉसी रीमान इक्वेशन मीन्स डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के, एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू डेल वी ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स, दूसरी कंडीशन है डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई, ऐसे ही डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई आर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस इन आर, आर में ये कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। पहली कंडीशन होती है नेसेसरी कंडीशन डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स मीन्स कॉसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए इन आर, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। मीन्स एनालिटिक होने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कॉसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो रीजन आर पर कंटिन्यूअस होने चाहिए। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जेड, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जेड। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड अगर निकालना हो मीन्स एफ जेड का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो यहां पर नोट कर लें इफ W equals to FZ और this is equals to U plus IV, तो DW over DZ बराबर हो जाएगा F dash Z, यही derivative of FZ होगा और इसको लिखेंगे del U over del X plus I del V over del X। अगर F dash Z निकालना है या कहें derivative of FZ निकालना है या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालना है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, तो इससे हम डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड निकालेंगे। इन पोलर फॉर्म एफ डैश जेड या कहें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और साथ में रहेगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर, तो उससे डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर उससे भी हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ जेड का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे कि यहां पर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर हो जाएगा एफ डैश जेड दिस इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इनटू डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर, तो उससे भी हम डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड निकाल लेंगे अगर कोई टर्म पोलर फॉर्म में दे रखा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि फंक्शन एनालिटिक हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो क्वेश्चन इस पर बेसिकली देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं टेस्ट द एनालिटिसिटी डिस्कस द एनालिटिसिटी डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ एफ जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन जेड। तो सबसे पहले एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड की एनालिटिसिटी हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जरा सॉल्यूशन, तो सबसे पहला काम है हेयर एफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड और जेड हम जानते हैं कि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई,
तो इसलिए हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एफ जेड को लिख देंगे एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी और जेड की जगह रख देंगे एक्स प्लस आई वाई, तो ये बन जाएगा एफ जेड बराबर दिस इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आई वाई। एक्चुअली में कॉसी रीमान इक्वेशन का यूज करने के लिए हमारे पास रियल पार्ट मीन्स यू की वैल्यू अलग होनी चाहिए और इमेजिनरी पार्ट मीन्स वी की वैल्यू अलग होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू अभी अलग नहीं है, दोनों साथ में है, इसलिए साइन ए प्लस बी के फार्मूले से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं यू प्लस आई वी दिस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई एंड प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। इसके बाद हम जानते हैं कि कॉस आई वाई बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक वाई और साइन आई वाई बराबर होता है दिस इज इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक वाई, तो इन वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, कॉस आई वाई बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो यू प्लस आई वी बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन आई वाई होता है आई साइन हाइपरबोलिक वाई, तो यह आ जाएगा आई बाहर कर देंगे कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब यहां पर मैच करते हैं तो रियल पार्ट मीन्स यू की वैल्यू यहां पर हो जाएगी साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो हेयर यू इक्वल्स टू बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड मैच करके देखें दोनों साइड में तो वी इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अब हमारे पास दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं, रियल पार्ट अलग हो गया है और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है, यू बराबर हो गया साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई और वी बराबर हो गया कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में और ये चेक करते हैं कि ये सीआर इक्वेशन में कॉसी रीमान इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकाले, तो डेल यू ओवर डेल एक्स यहां पर आ जाएगा यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ऐसे डेल यू ओवर डेल वाई निकाले तो यहां पर कॉस साइन एक्स अब की बार कॉन्स्टेंट रहेगा जब वाई के रिस्पेक्ट में यू को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक वाई का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये ध्यान रखें ये कॉस हाइपरबोलिक वाई है केवल कॉस वाई नहीं है, कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई लेकिन कॉस हाइपरबोलिक वाई का होता है साइन हाइपरबोलिक वाई। ऐसे डेल वी ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो डेल वी ओवर सॉरी डेल वी ओवर डेल एक्स निकाले तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई और डेल वी ओवर डेल वाई निकाले तो डेल वी ओवर डेल वाई निकाले मीन्स वी का वाई के रिस्पेक्ट में तो साइन हाइपरबोलिक वाई का डिफरेंशियल कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब जरा चेक करते हैं कि कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन की सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ हम चेक करके देखें तो नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हमारा हमारे पास था ये और डेल वी ओवर डेल वाई ये दोनों आपस में बराबर है मींस पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड दूसरी कंडीशन चेक करते हैं तो डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के, तो हम देखते हैं कि डेल यू ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर है बस माइनस साइन का दोनों में डिफरेंस है,
इसलिए हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन जो कॉसी रीमान इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आप देखें तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी हैं। सिंस इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एंड डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये सब कॉन्टिन्यूअस भी है और ये सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड वो एनालिटिक हो जाएगा। हेंस इट इज एनालिटिक। तो जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एनालिटिक फंक्शन के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो आप निकालें वो अगर कंटिन्यूअस है ओवर रीजन आर तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो आपका गिवन है ये फंक्शन एनालिटिक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे चेक करते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। बट ध्यान रखें एनालिटिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कॉसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। एनालिट्रिसिटी ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस का आई वाई। तो अब की बार हम चेक करेंगे, डिस्कस द एनालिट्रिसिटी ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई एंड प्लस का आई वाई। हम चेक करके देखेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि एनालिटिक नहीं है। तो देखें यार सॉल्यूशन हेयर एफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है एक्स वाई एंड प्लस का आई वाई। तो फंक्शन में ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहां पर रियल पार्ट अलग दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट अलग दे रखा है। एफ जेड को लिख सकते हैं यू प्लस आई वी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई एंड प्लस का आई वाई। तो हेयर यू इक्वल टू बन जाएगा एक्स वाई एंड वी इक्वल टू बन जाएगा वाई। तो अब आप यहां पर देखें u की वैल्यू आ गई एक्स वाई और v की वैल्यू आ गई y के बराबर। इनको डिफ्रेंशिएट करें, फोर पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, मींस डेल u ओवर डेल x निकालें। तो डेल u ओवर डेल x निकालेंगे तो u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y बन जाएगा, और डेल u ओवर डेल y निकालें तो डेल u ओवर डेल y निकालेंगे तो यहां पर x आ जाएगा। ऐसे डेल वी ओवर डेल एक्स निकाले, लेकिन वी के पास एक्स का टर्म है नहीं इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वन। अब आप यहां देख रहे हैं, नाउ चेक करके देखें कि एक कॉसी रीमान इक्वेशन या कहें सी आर इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो उसके लिए पहली इक्वेशन है डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के। पहली कॉसी रीमान इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के। तो डेल यू ओवर डेल एक्स हमारे पास वाई है और डेल वी ओवर डेल वाई हमारे पास वन है, ये दोनों बराबर नहीं है। एंड दूसरी इक्वेशन अगर देखें तो डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो यहां पर भी देखें आप तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो फिर आगे कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन होने के लिए, और ये यहां पर फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसलिए फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सिंस सी आर इक्वेशंस नॉट सेटिस्फाइड हेंस इट इज नॉट एनालिटिक। क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, सी आर इक्वेशंस यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं,
इसलिए यहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और जो एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस आई वाई है ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आल्दो एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो आप देख रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्योंकि सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसलिए एनालिटिक होने की कोई कंडीशन यहां पर नहीं लगेगी और ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन दे रखा है, दिस इज इक्वल टू एफ जेड और एफ जेड इक्वल टू दे रखा है जेड क्यूब, कह रहा है एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, इसकी एनालिटिसिटी चेक करिए। तो देखते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो चेक करके देखते हैं। हेयर एफ जेड इक्वल टू दे रखा है, दिस इज इक्वल टू जेड क्यूब, जेड की वैल्यू आप लोग जानते हैं, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। अब क्योंकि यहां पर देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट साथ साथ दे रखे हैं, तो डायरेक्ट अभी u और v की वैल्यू आप नहीं लिख सकते, उसके लिए x प्लस आई वाई के होल क्यूब के ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे और देन आफ्टर चेक करेंगे कि यहां पर रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, फिर एनालिटिक कंडीशन यहां पर चेक करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड के लिए लिख दें u प्लस आई वी एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल क्यूब ओपन करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब एंड प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई इंटू थ्री के साथ एंड प्लस का थ्री एक्स इंटू आई वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस का आई वाई का होल क्यूब। ब्रैकेट ओपन करें, इसको ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स प्लस वाई आई वाई का होल क्यूब बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर आई वाई प्लस का थ्री एक्स इंटू आई वाई का स्क्वायर प्लस का आई वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा, आई वाई है तो बन जाएगा प्लस का थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई, एंड यहां पर आई स्क्वायर वाई है तो आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो बन जाएगा माइनस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और यहां पर प्लस का आई वाई का होल क्यूब है तो आई का होल क्यूब बनता है माइनस का आई, तो बन जाएगा माइनस आई वाई क्यूब। आप लोग जानते हैं आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन, और आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आई, तो आई क्यूब बराबर हो जाता है माइनस का आई। रियल पार्ट एक तरफ रख लें और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लें, मीन जिनके साथ आई है वो एक पास कर लें और जो विदाउट आई है उनको एक पास कर लें। तो u प्लस आई वाई बन जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के साथ आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर, आई और आई यहां पर कॉमन ले लें, प्लस का आई थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस का वाई क्यूब। तो हेयर u इक्वल टू होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू यहां पर होगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब। अब फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के चेक करें कि एक सीआर इक्वेशन मीन कॉसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालें, तो डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ऐसे ही डेल यू ओवर डेल वाई निकालें, तो डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंस है जीरो, बचेगा माइनस का थ्री इंटू टू एक्स वाई, तो आ जाएगा माइनस का सिक्स एक्स वाई, ऐसे ही डेल वी ओवर डेल एक्स निकालें तो डेल वी ओवर डेल एक्स आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स, तो आ जाएगा थ्री इंटू टू एक्स इंटू वाई, और डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे तो डेल वी ओवर डेल वाई आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री वाई स्क्वायर। ना अब जरा चेक करके देखते हैं कि सीआर इक्वेशन मीन्स कॉसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो डेल यू ओवर डेल एक्स देखें, सीआर इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के,
तो डेल यू ओवर डेल एक्स आप देख रहे हैं डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दूसरी कंडीशन है डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के, तो डेल यू ओवर डेल वाई है माइनस का 6xy, इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे v में तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं hence CR equation satisfied, तो CR equation satisfy कर रहा है means ये analytic हो सकता है। और इसके partial derivatives, four partial derivatives जो आपने निकाले हैं वो continuous भी है, hence CR equation satisfied and four partial derivatives are continuous, hence CR equation satisfied satisfied and del u over del x, del u over del y, del v over del x or del v over del y are continuous, hence function is analytic। तो ये जो function आपका होगा fz equals to z cube ये analytic हो जाएगा, क्योंकि ये CR equation भी satisfy कर रहा है और इसके चारों partial derivatives भी continuous हैं, इसलिए हम इस function को बोलेंगे कि ये analytic function है over region R। तो आज के लिए इतना ही, next lecture में हम लोग function और उनके derivatives पर discuss करेंगे। Thank you all of you।